मैं मतलब फर्स्ट टाइम वॉइस मतलब यूज करके वीडियो बना रहा हूँ गाइस, कुछ बुरा होगा तो मतलब सह लेना गाइस, ठीक है। तूने एक नूब एडम प्रैंक किया जाए, और इतने में सामने से एक लुकेश गुमर बंडल का बंदा आया और वो मुझे मार ही देता है यहाँ पे, और मारने के बाद ये सामने जाता है और यहाँ पे जाके लोल इमोट दिखाने लगता है। तो गाइस मैं कल रात को गेम खेल रहा था, तो इसी बीच उज्जैन गैंग हमारे गेम में आ गया था, और उसने मतलब उस टाइम वो वीडियो बना रहा था मतलब नो इंटरनेट प्रैंक का, तो उस टाइम मतलब हम लोग भी थे उनके साथ, तो आप लोग देख लीजिए। मैं चाहता तो अगर ये वीडियो डाउनलोड कर सकता था, बट मैं डाउनलोड नहीं कर रहा, समझ रहे हो भाई, नेट का मतलब इशू है ना, समझ रहे हो। तो कल रात को जब मेरे यहाँ पे लाइट चली गई थी तो मैंने सोचा एक गेम खेलते हैं, लेकिन मुझे नहीं पता था कि मेरे साथ कुछ ऐसा होने वाला है। बिजली कड़कड़ा रही थी, लाइट भी गई हुई थी, बारिश बहुत तेज हो रही थी और मैं गेम खेल रहा था, और अभी जो मेरे साथ हुआ वो कुछ अलग ही था। दरअसल मैं एक सीएस रैंक मैच में आ गया था एडम ड्रेस पहन के, और तब देखो क्या होता है। अरे भाई कौन आ गया अपनी टीम में भाई, मैच ना आ जाए इसके चक्कर में भाई, एडम है। अरे देखो आ गए भाई अच्छे बंदे। दरअसल ये लोग मुझे नूब बोल के चिढ़ा रहे थे, और इनको लग रहा था कि मेरे आने की वजह से हम लोग मैच हार जाएंगे, और मैं भी पहले शौक था कि ऐसा ये लोग क्यों बोल रहे हैं, लेकिन तभी सभी टीममेट नॉक हो जाते हैं रहे थे, और इसी वजह से मेरे दिमाग में एक बत्ती चली, क्यों ना एक नूब एडम प्रैंक किया जाए। और इतने में सामने से एक लुकेश गुमर बंडल का बंदा आया और वो मुझे मार ही देता है यहाँ पे, और मारने के बाद ये सामने जाता है और यहाँ पे जाके लोल इमोट दिखा। तो गाइस ये मतलब मेरे तरफ से मतलब मैंने उन बंदों को जो मारा उसका क्लिप है गाइस, आप देख लेना। तो यहाँ पे दो बंदे को मैंने डाउन कर दिया ऊपर से हेड मार के, यहाँ पे एक को मतलब हेड मारने का कोशिश में अगर हेड नहीं लग रहा था पता नहीं क्यों, और उसी टाइम मेरे टीममेट ने उसके सर पर मतलब ग्रेनेड फेंक के मार दिया। तो गाइस समझ रहे हो, तो अभी उज्जैन मतलब ईओएनजी अमन मतलब वहाँ पे छुपे हुए थे, मैंने तो नहीं देखा था, तो यहाँ पे इनको भी मतलब ओपी से हेड मार दिया मैंने, देख लो आप। मतलब एक्साइटेड में मतलब मैंने लोल दिखा दिया था गाइस, मतलब दिखाने लगता है। मैं पहला राउंड हार चुका था और मेरे टीममेट मुझे इसका जिम्मेदार ठहरा रहे थे, और तुम लोग सुन सकते हो क्या बोल रहे हैं। खेलने नहीं आता क्या भाई, तू कहां से आ गया भाई हम लोगों की टीम में, ये लोग मुझे यहाँ पे बुरा भला एकदम कोस ही रहे थे कि तेरी वजह से हार गए, नुबड़ा है तू। लेकिन मैं एक चीज नोटिस करता हूँ कि मेरे गिल्ड से एक बंदा है वह यूएनजी कोकू, और उसके नीचे यूएनजी स्ट्राइक जो कि मेरी सेकंड गिल्ड से है। ये देख के मैं एकदम ही शॉक हो जाता हूँ। मैं शॉक इसलिए हो जाता हूँ क्योंकि ये मेरे अपोनेंट में आए हुए होते हैं, एंड लोकेश गेमर एंड साथ में बनी बंडल, वो दोनों के दोनों बंदे वहीं पर होते हैं, यानी कि टीम को अगर मुझे हराना होगा प्रैंक करने के साथ तो मुझे अपने गिल्ड मेट को भी हराना होगा। ये क्या कर रहा है भाई मार आके, अरे भाई कलवा एडम मार आके भाई क्या कर रहा है भाई, ये भाई ये क्या भाई, ये नोबला है भाई, वो रिवाइव करेगा भाई, भाई यार एक चुटिया कहाँ से आ गया भाई, ये नोबला भाई। तो मतलब मैं फिर से अपने तरफ से मतलब वो जो क्लिप बनाया था वो लेके चलाया, मतलब यहाँ पे छुपे हुए थे उनका बंदा लोग, तो मेरे को मार दिया गाइस कोई ना, मगर मेरे टीममेट ने मतलब उन तीनों को डाउन कर दिया था। और मैं मतलब उज्जैन गैंग का बहुत ही बड़ा फैन हूँ, मतलब एक तरफा बोल सकते हो आप, समझते हो। तो उज्जैन गैंग को मतलब गाली खाली दे रहे थे उनके टीममेट ने, उनके टीममेट्स तो नहीं जानते थे ये प्रैंक कर रहा। जब मेरे ही गिल्ड के बंदे ने मुझे इमोट दिखाया, मुझे चिढ़ाया, तो मुझे इस बात से बहुत दुख हुआ, क्योंकि गाइस ये बहुत ही वियर्ड था कि मेरे ही गिल्ड का बंदा मुझे इमोट दिखा रहा है, और जब यहाँ पे मैं दो राउंड हार चुका था तो यहाँ पे भी मेरे टीममेट मुझे इमोट दिखा रहे हैं। और यार सच बताऊँ तो ये प्रैंक ना मुझे बहुत बुरा लगने लगा था, क्योंकि यहाँ पे मेरे सारे टीममेट जब मर जाते हैं तो उसके बाद गाइस यहाँ पे मैं जब सामने जाता हूँ ना, तो एक तो मैं प्रैंक तो कर ही रहा होता हूँ, लेकिन यार मुझे ना थोड़ा बुरा लगता है, क्योंकि यार एक एडम के ऊपर किस तरीके से इमोट दिखा रहे हैं, यहाँ पे तुम लोग देख सकते हो ये लुकेश गेमर बंडल मुझे इमोट दिखा रहा है, और बहुत वियर्ड चीजें हो रही थी। इतना ज्यादा वियर्ड प्रैंक मैंने नहीं सोचा था कि ऐसा प्रैंक हो जाएगा। सबसे ज्यादा तो वियर्ड ये था कि लुकेश गेमर मुझे कितना इमोट दिखा रहा था, ये सारे बंदे मुझे बहुत इमोट दिखा रहे थे। मैंने यहाँ पे अपना प्रैंक जारी रखा और मैं एकदम नूब की तरह बर्ताव करने लगा, लेकिन इतने में एक वियर्ड ट्विस्ट आता है कि ये जो होता है मेरा गिल्ड मेट होता है फर्स्ट गिल्ड का मेंबर, और ये भी मुझे। तो गाइस 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 मैं फिर से चलाया मेरी तरफ से क्लिप लेके, तो गाइस मैंने यहाँ पे ओपी से एक हेड मार के उसका टीममेट को डाउन कर दिया गाइस, और मैं यहाँ पे मतलब मेरे पास एक मतलब छोटा भाई बैठा, तो वो बोल रहा था कि इसके टीममेट को लोल दिखाना भाई, तो मैं मतलब उसी को बात सुन के मतलब फॉलो करके इन दोनों को लोल दिखा रहा था। तो मतलब उज्जैन गैंग जो है पीछे से आ गया था गाइस, वो पता नहीं क्यों मतलब
खड़ा होके मतलब चुपचाप देख रहा था गाइस। तो मैं मेरा भाई जो बोला था मेरे को ऐसे ही फॉलो कर रहा था, मैं ठीक से उसको लोल दिखा रहा था गाइस, समझ रहे हो। तो उसी टाइम मतलब इवन जी अमन ने मतलब चुपके से मुझे हेड मार दिया था एक गाइस, मगर मैं फिर भी नहीं मरा, तो मेरे टीममेट्स ने उसको मार दिया गाइस, मार दे गाइस। ये देख के तो यार एक तो भी मैं थोड़ा सा ना डिमोटिवेट हो जाता हूँ, और मैं सोचता यार ये एडम प्रैंक जा किस तरफ रहा है, मतलब समझ ही नहीं आ रहा क्या हो रहा क्या नहीं। रुको जरा, सबर करो। Few moments later, यहाँ पे हम तीन राउंड हार चुके थे और अब बारी आ चुकी थी कि मैं अपना कमाल दिखाऊं, लेकिन मुझे यहाँ पे एक बहुत ही बढ़िया मौका चाहिए था जहाँ पे कि तीनों के तीनों प्लेयर मर जाने चाहिए थे, और हाँ मुझे सामने वाले अपने गिल्ड मेट को भी मार के उनको सबक सिखाना था कि नहीं तुम ऐसा नहीं कर सकते। और तभी गाइस देखो क्या हुआ, कहाँ मार पाएगा भाई, इसकी बच्ची नहीं है भाई, ये नोबड़ा है भाई, इसको बोल भाई। ओ भाई नॉक कर दिया भाई इसको। अरे भाई हैकर वैकर है क्या भाई, हैकर लगा लिया क्या नोबड़े भाई, हैकर आता है क्या नोबड़े भाई, हैक लगा लिया है क्या अभी, तो भाई तू खेल नहीं पाया था भाई, भाई इसने हैक लगा लिया है, पुलिस भाई इसने हैक लगा लिया भाई, नोबड़े ने हैक लगा लिया भाई, भाई ये लोग भाई कम्युनिटी को बदनाम करते हैं भाई, इन्हीं के चक्कर में भाई हैकर बढ़ रहे भाई, हैक लगा खेलते हैं भाई, भाई हैक लगाए भाई मेरे को लगता है, नोबड़ा है अभी देखना भाई कैसे हेड मारेगा, ये देखो भाई ये देखो भाई ये नोबड़ा है भाई, भाई हैक लगा रहा है भाई। अगर आप लोग गाइस मेरा वीडियो अब तक अभी देख रहे हो तो गाइस आपको वीडियो पसंद आ रही होगी तो गाइस लाइक सब्सक्राइब कर देना, ठीक है गाइस। तो यहाँ पे मैंने अमन को नहीं देखा था गाइस, तो उसने मतलब मेरे को आसानी से मार दिया था, और मैंने यहाँ पे एक बार डाउन भी हो गया था, इसलिए मतलब मेरा हेल्थ भी कम था। और हाँ गाइस, चैनल पर नए हो गए तो भाई चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना गाइस, ठीक है, लाइक सब्सक्राइब कर देना गाइस। और मैं मतलब फर्स्ट टाइम गाइस वॉइस से वीडियो बना रहा हूँ, तो गाइस सहल है ना खेलने नहीं आता तो भाई हैक खेलेगा क्या, मतलब कुछ भी भाई। तो यहाँ पे तुम सभी लोग देख ही सकते हो कि मैंने एक राउंड अपने दम पे जिता दिया था इन लोगों को, लेकिन ये लोग मुझे फिर भी नूब बोल रहे थे बिकॉज मैंने एडम ड्रेस पहन रखा था और प्रैंक करा था इनके साथ। अब ये लोग मुझे हैकर भी समझ रहे थे, लेकिन गाइस अभी भी बहुत बड़ा ट्विस्ट बाकी था। अभी अचानक से ऐसा होता है, यहाँ पे सारे लोग लड़ते लड़ते ही अचानक से देखना कि तीनों के तीनों बंदे नॉक हो जाएंगे, और यहाँ पे ये लोग मुझे बहुत ज़्यादा चिढ़ाने लगेंगे कि आ नुबड़े क्या कर रहा है ये। तो चलो मैं दिखाता हूँ आगे क्या होता है। अरे कल बैठा माँ भाई, नॉक किया मैंने भाई, आ जा भाई, किल चोरी करने आता भाई है अरे भाई तीन को नॉक कर दिया भाई कल बैठम ने, अरे है क्या खेल रहा भाई ये बंदा, मगर क्यों। अरे भाई भाई मोड़ दिखा रहा है भाई, बाप रे अभी देखना कैसे हेड मारेगा भाई, ये हैकर है भाई, ए भाई ये हैकर है भाई, ये देखना अभी सारे नाना हैकर नहीं है ये, अरे कलवे टाइम की मूवमेंट देखो भाई, अरे बाप रे चलो भाई भाई ये देख भाई देखो भाई खाली लाल मार रहा भाई, हैक वैक लगा खेल रहा भाई ये बंदा। गाइस 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 मैं फिर से चलाया गाइस मेरे क्लिप लेके, ठीक है गाइस। तो मतलब मैंने वीडियो को मतलब स्पीड कर दिया है, मतलब दो गुना कर दिया है, मतलब आपके भी टाइम बचे और मेरा भी टाइम बचे। तो यहाँ पे अमन ने तो भाई मेरे को भी मार दिया और मेरे टीममेट्स को भी मतलब मारी देगा, भी रिवाइव करने आया था भाई, उसको भी हेड मार दिया गाइस। तो मतलब अमन के टीममेट्स मतलब बहुत ही मतलब बुरा भला बोल रहे थे मतलब अमन को, मतलब क्या बोलो गाइस, हैकर भी बोल रहे थे, अगर मैं जानता हूँ गाइस वो हैकर नहीं है, ठीक है गाइस, वो मतलब अच्छा खेलता है अमन। तो यहाँ पे मतलब मैंने तो दो गुना बढ़ा दिया वीडियो, तो गाइस आपको तकलीफ़ ना हो इसलिए मैं मतलब वॉइस से भी वीडियो बना रहा हूँ जो आपको समझ आए वीडियो, ठीक है। तो गाइस प्लीज़ गाइस अगर नए हो गए चैनल पे तो चैनल सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, और गाइस एक कमेंट कर देना कैसा हुआ है वीडियो, ठीक है गाइस। तो
तो यहाँ पे मैं दो बार ऑलमोस्ट क्वाड्रा मार के दो राउंड जीत चुका होता हूँ, और यहाँ पे ये राउंड जो है ना काफी क्रूशल होता है। लेकिन हाँ, इस राउंड में काफी मजा आएगा, और ये लोग मुझे हैकर ही बार बार बोल रहे होते हैं। और हाँ, प्लीज वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना अगर आप लोगों को ऐसी डीजे टम प्रैंक और भी देखने हैं तो, और इंजॉय करो, अभी बहुत मजा आने वाला तुम लोग को। ये लोग बहुत हैकर बोलते हैं मुझे, और ये लोग ना मतलब मुझे बहुत परेशान करते हैं। देखो मजे लो, गाइस मेरे टीममेट्स क्या कर रहे थे, गाइस बार बार जाके गाइस डाउन हो जा रहे थे भाई। यहाँ पे तो मतलब हैकर जैसा मन ने भाई। तो गाइस यहाँ पे स्कोर हो चुका था 3-3, और सामने वाले को बहुत अच्छे खासे 24 क्वार्टर मार के मैंने मैचेस निकाल लिए थे। लेकिन यहाँ पे मेरे टीममेट मुझे परेशान किए जा रहे थे और अभी भी मुझे नूब समझ रहे थे। लेकिन हाँ, ये जो है बहुत ही ज्यादा मुश्किल राउंड था, क्योंकि यहाँ पे आने वाला है ट्विस्ट। यहाँ पे ये चारों के चारों बंदे जो है ना रश कर देते और इन तीनों को मार देते हैं, और अभी तुम लोग को बहुत मजा आने वाला है, क्योंकि देखो आगे क्या होता है। गोली के बचे हैं भाई, बंदा इमोट दिखा रहा है भाई, कलवे आइटम होना एक भाई, कलवे आइटम इमोट दिखा रहा है भाई, वो बॉडी मारेगा भाई, इतना कहा हम लोगों ने, बॉडी बॉडी मारेगा भाई, चेष्टा कर रहा था गाइस, मतलब इस मैच को हम लोग बोया निकाल रहे, मगर नहीं हुआ गाइस हमारे। तो यहाँ पे मतलब अमन ही मतलब बचा हुआ था, मतलब उनके टीममेट्स में तो मतलब यहाँ पे छुपा हुआ था गाइस, मैं मतलब इतना कोशिश किया उसको मारने के लिए, मगर फिर भी नहीं मार सका गाइस उसको। और वो मतलब क्या ही बोलूँ गाइस, जो हेड मार रहा था ना अमन, मतलब ओपी एक वन लेवल का गाइस। यहाँ पे उसको भी मतलब क्या है भाई, अच्छा कल रात का मैच कुछ ऐसे ही गुजरा था। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना। और हाँ, ये वीडियो स्क्रिप्टेड है, स्क्रिप्टेड है वीडियो, समझ रहे हो ना।